श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज एक बहुत गूढ़ विद्या आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये वो विद्या है जो आप लोगों में से सबको पता होना चाहिए, जो कि सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, जो कि हिंदू पैदा हुए हैं, लेकिन कालांतर में ज्ञान को बहुत ही संकुचित रखा गया, बहुत लोगों तक ज्ञान नहीं पहुंचने दिया गया, ताकि लोग ज्ञान के लिए कुछ लोगों पर निर्भर रहें और उन्हीं को ज्ञान प्राप्त हो। तो जब आप सिद्धि साधना करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो आप लोगों को मैंने शुरू से कहा कि गायत्री मंत्र का पाठ करो। गायत्री मंत्र से 24 तरह की सिद्धियां मिलती है, और जो सब सिद्धियों को देने वाली सिद्धि है वो भी गायत्री मंत्र से ही सिद्ध होता है। गायत्री मंत्र में जो कथा मैंने बताई थी कि महादेव बैठे हुए थे, महामाया से मिले, उसके बाद ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, विष्णु की उत्पत्ति हुई, महेश की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी और उनकी बेटी ने मिलकर सृष्टि का निर्माण किया, फिर गायत्री और सावित्री आई प्रथम दो, उसके बाद फिर ऐम ह्रीम क्लीम बीज अक्षरों का जो निर्माण हुआ। तो जो 24 गायत्री आई उसमें जो प्रथम गायत्री थी वो थी आद्याशक्ति, आदिशक्ति, फिर ब्रह्मानी आई या ब्रह्मी बोलते हैं, फिर वैष्णवी आई विष्णु की, सांभवी आई, वेद माता आई, देव माता आई, विश्व माता आई, रितंबरा आई, मंदाकिनी आई, फिर आई अजपा, अजपा गायत्री जो आप लोगों को बताता हूँ, रिद्धि आई और फिर सिद्धि आई। इसके बाद और भी आई, जैसे सावित्री आई, सरस्वती आई, लक्ष्मी, महाकाली, कुंडलिनी शक्ति, वो भी गायत्री में एक आती है, परग्नि, भुवनेश्वरी, 10 महाविद्या में आती हैं, भवानी, ये तो ये सारी शक्तियाँ, ये सारी भगवती के 24 रूप जो है वो गायत्री का ही रूप माना जाता है। ठीक है, इसमें जैसे मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि 5 ऐसे बीज अक्षर हैं जो आपको आपके सिद्ध होने चाहिए साधना में, वो मैंने बताया था कि साधना में कौन से बीज अक्षर सिद्ध होते हैं, जिसमें मैंने आपको अग्नि बीज बताया था, गणपति बीज बताया था, नवग्रह बीज बताया था, भैरव जी का बीज बताया था। लेकिन एक बीज अक्षर ऐसा है, अगर इसको सिद्ध कर लेते हैं आप, तो फिर कोई भी सिद्धि आपसे भाग नहीं सकती। जैसे होता है ना कि कुछ लोगों के कर्म के चलते सिद्धियां नहीं मिलती है, कुछ लोगों के पुराने जन्म के चलते सिद्धियां नहीं मिलती हैं, कुछ लोगों का वर्तमान जीवन ऐसा होता कि वो कितने भी कोशिश कर ले सिद्धियां मिलती ही नहीं है, साधना करना शुरू करते हैं साधना कभी पूर्ण ही नहीं होता है, साधना कोशिश कर रहे हैं लेकिन साधना नहीं पूरी होती, जीवन भर एक मंत्र का जाप कर लिया मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, मंत्र चला रहे हैं तो खाली जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए जो साधना बहुत उत्तम होता है वो होता है रिद्धि की साधना। ठीक है, रिद्धि यानी गणपति की जो अर्धांगिनी है रिद्धि और सिद्धि, उसमें रिद्धि के जाप से सिद्धि की भी प्राप्ति होती है, लेकिन सिद्धि की प्राप्ति अलग से भी हो सकती है। ठीक है, सिद्धि शक्ति इनके भैरव क्षेत्रपाल भैरव होते हैं, मंत्राक्षर जो है इनका वंग होता है, लौकिक शक्ति योगिनी होती है, और जो फल होता है वो कार्य कुशलता, मतलब जो भी कार्य में आप हाथ डाल रहे हैं, जो भी कामना आप करना चाह रहे हैं वो उसकी पूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो इनकी साधना करने से आपको सिद्धि मिल जाएगी। साधना कैसे करेंगे, एक पीला कपड़ा बिछाएंगे, ठीक है, रोली लेंगे और उसमें अष्टद्वार बनाएंगे, जो यंत्र के चारों तरफ अष्टद्वार बनता है ना वो बनाएंगे, ऊपर ओम लिखेंगे, ठीक उसके नीचे लिखेंगे भूर्भुवस्वाहा। ठीक है, अब बीच में एक त्रिकोण बनाएंगे, ठीक है, त्रिकोण आपके उलट रहेगा, आप जिस तरफ बैठे हैं उधर त्रिकोण का मुख नहीं रहेगा, मुख उल्टा रहेगा, और फिर उससे उल्टा 3 त्रिकोण अंदर में बनाएंगे। ठीक है, तो वो 3 त्रिकोण आप जैसे ही बनाएंगे तो फिर सबसे ऊपर एक त्रिकोण अलग हो जाएगा, फिर 3 त्रिकोण बनेंगे, फिर 5 त्रिकोण बनेंगे। ठीक है, तो ये जो त्रिकोण बड़ा बनाया इसके एक तरफ तत्सवितुर वरेण्यम और दूसरी तरफ भर्गो देवस्य धीमहि और सबसे नीचे प्रचोदयात लिखेंगे। ठीक है, जो अंदर में जो एक त्रिभुज बनाया उसमें सबसे ऊपर लिखेंगे महा,
लेफ्ट हैंड नीचे में लिखेंगे यो और राइट हैंड नीचे में लिखेंगे नहा, ठीक है, और बीच में लिखेंगे बीज। बीज अक्षर क्या है? छम। छम वही बीज अक्षर है जिसका आप लोगों को जाप करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये यंत्र आपने बना लिया, इसके बाद गणपति की तस्वीर या उनकी मूर्ति को इस यंत्र के राइट में रखना है, यंत्र के राइट में। देखो जब भी पति पत्नी के मूर्ति किसी भी देवी देवता में रखेंगे तो उसमें मंत्र याद रखना है वामे रमा रमन कुशला, मतलब जब भी किसी के अर्धांगिनी की पूजा होगी तो वो वाम भाग में होगी, उनके लेफ्ट में, तो गणपति को ऐसे रखेंगे कि रिद्धि जो है वो लेफ्ट, सिद्धि जो है वो लेफ्ट में आए, ठीक है। गणपति को रख के वहां पे लड्डू चढ़ाएंगे, ठीक है, लड्डू के ऊपर सिंदूर लगाएंगे पांचों लड्डू के ऊपर, और गणपति को पुष्प दे करके और जल दे करके आमंत्रण देंगे कि हे गणपति देवता, मैं सिद्धि भगवती की साधना कर रहा हूँ, आप यहाँ आए और मेरी पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद सिद्धि की आपको बुलाहट करना है, एक पुष्प रखेंगे यंत्र पे, बोलेंगे हे सिद्धि भगवती, हे गायत्री स्वरूपा, इस स्थान पर आओ और मेरे पूजा को ग्रहण करो। उसके बाद एक तांबे के लोटे में एक जल लेंगे और जहाँ भगवती को स्थापित किया है उसके राइट हैंड साइड में वो तांबा का कलश रखेंगे और उसमें थोड़ा चावल और थोड़ा जल डाल देंगे, ठीक है। इतना कर लिया, हाथ में माला लीजिए तुलसी की, ठीक है, भगवती को नवेद धूप दे दीजिए, धूप घी का लगेगा और जो अगरबत्ती है वो 2 या 5 आप दे सकते हैं, ठीक है। धूप जब भी देते हैं तो भगवती के लेफ्ट हैंड साइड में देते हैं। उसके बाद इस मंत्र का या तो 108 जाप या 1008 जाप या 52 जाप या 24 जाप या 10 जाप आप करें, ठीक है। इतना करके जो जल बचता है उस जल को आप जा करके सूर्य नारायण को समर्पित कर दें। ये जो विधान है इसका कोई तय सीमा नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा मैं बोल दूं कि ये 10,000 जाप कर लो तो तुम्हारा सिद्धि हो जाएगा, ये स्वसिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। बस इसको करने से तुम और जो सिद्धियां कर रहे हो उन सिद्धियों की तुमको प्राप्ति हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9331185585, डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर अपॉइंटमेंट कीजिए, उसमें rudrakumar.com/ करिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, कहीं आप सब लोगों की सारी दुश्मनी समाप्त हो जाए, ऐसे प्यारे बाबा से मेरी प्रार्थना है, आप सभी का आदेश अलग आदेश।